नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, ऐसे में बयानबाजी न हो तो खेल का मजा कैसे आएगा। आज हम बात करेंगे रबाडा द्वारा भारतीय कप्तान पर दिए गए विवादित बयान के बारे में। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबाडा ने भारतीय कप्तान को नासमझ बताया है। रबाडा ने आईपीएल 2019 के मैच का जिक्र करते हुए बयान दिया है। उसने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैच में दोनों के बीच जुबानी जंग हुई थी, लेकिन कोहली ने जिस तरह का बर्ताव किया था वह समझ से परे था। आगे रबाडा ने कहा कि मैं गेम प्लान के बारे में सोच रहा था, तभी मेरे बॉल पर कोहली ने चौका लगाया। फिर कोहली ने मुझसे कुछ कहा, पर मैंने जब वापस कुछ कहा तो वह गुस्सा हो गए। इसी बात को लेकर रबाडा ने भारतीय कप्तान को नासमझ कह दिया। पर रबाडा कितने समझदार हैं यह तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जानता है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए। रबाडा का बर्ताव वर्ल्ड क्रिकेट में किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी लड़ाई लगभग सभी क्रिकेटरों से हो चुकी है। इससे पहले भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को धक्का दिया था, और वो नासमझ भारतीय कप्तान को बताते हैं। अब भारतीय कप्तान को एक नए लड़के से समझदारी सीखने की जरूरत पड़ गई है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि रबाडा अपने खेल पर ध्यान दे। भारतीय कप्तान बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। अगर भारतीय कप्तान को कुछ सीखने की जरूरत है तो उसे सिखाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ी हैं। रबाडा की जरूरत भारतीय कप्तान को नहीं है। अब आगे इस बयान को लेकर वर्ल्ड कप में कितना प्रभाव पड़ता है यह तो वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।